उधर मंत्री प्रमोद जैन भाया बारा के अंता दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में मंत्री प्रमोद जैन ने यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही वहां पर मौजूद लोगों की समस्याओं को भी सुना है। बता दें कि मंत्री भाया ने जन समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाया ने कहा है कि सब लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एकता दिखाएं और भाईचारे की भावना से यात्रा को सफल बनाएं। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के संकल्प को लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3,600 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 2,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा पूरी हो चुकी है। हमारा सौभाग्य है कि वो यात्रा का प्रवेश राजस्थान में, मध्य प्रदेश से राजस्थान में हाड़ौती की धरा में होगा, झालावाड़ की बॉर्डर पे। तो उसी के संदर्भ में आज मैं बारा के जिला अध्यक्ष जी रामचंद्र जी मीणा जी, हमारे बारा के विधायक पानाचंद जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी सोन जी, चेयरमैन साहब, हम सब लोगों ने आज यहाँ बैठक ली तमाम हमारे अंता के नगर के और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की। इसके पहले आज बारा ब्लॉक की बैठक ली, मांगरोल ब्लॉक की बैठक ली, तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हजारों की तादाद में बारा जिले से कार्यकर्ता 5 तारीख को हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की अगवानी करने के लिए, स्वागत अभिनंदन करने के लिए और पदयात्रा में शरीक हो।